हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप सभी ने मिसाइल मैन और जनता के प्रेसिडेंट के नाम से जानते होंगे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम फैमिली में कलाम जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी एक मछुआरे थे और इनका परिवार भी 10-12 भाई बहन को लेकर एक ज्वाइंट फैमिली था। फिर भी ये सब सिचुएशन के बावजूद कलाम जी ने अपना प्राइमरी एजुकेशन को जारी रखने के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। तो चलिए देखते हैं कि कलाम जी का एक गरीब मुस्लिम फैमिली से उठकर इंडिया का प्रेसिडेंट और न्यूक्लियर एंड एरोनॉटिकल फील्ड तक का सफर कैसा था। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कलाम जी अपने लाइफस्टाइल पूरे सिंपलिसिटी के साथ जीते थे, जैसे कि उनका पूरे जीवन काल में बस एक बीड़ा, कुछ किताबें, एक वॉच, लैपटॉप, 6 शर्ट और 4 पैंट को लेकर पूरा जीवन बिता दिए। शुरू से ही कलाम जी को एयरफोर्स में जाना था और फाइटर जेट का पायलट बनना था, इसलिए इन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किए थे। आफ्टर गेटिंग द इंजीनियरिंग डिग्री, कलाम जी ने DRDO और एयरफोर्स दोनों जगह अप्लाई किए थे जॉब के लिए। लेकिन कलाम जी को DRDO और एयरफोर्स दोनों जगह से ऑफर आया था, लेकिन कलाम जी को पहले से ही एयरफोर्स में जाना था। लेकिन एयरफोर्स में 25 लोगों में से केवल 8 सीटें खाली थी और कलाम जी 9th नंबर पे आए थे, इसलिए कलाम जी का एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसमें फेल होने के बाद कलाम जी ने DRDO ज्वाइन कर लिए। DRDO में काम करने के कुछ साल बाद 1963 में कलाम जी को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। और कलाम जी को पहले से एरोनॉटिकल साइंस में इंटरेस्ट था। वहां पर उन्होंने इतना इंटीग्रेटेड, इतना क्रिएटिव साथ टेक्नोलॉजी यूज करके काम किया कि नासा ने इनको अमेरिका का सिटीजनशिप ऑफर कर दिया और वापस इंडिया ना जाने के लिए बोला और बोला कि अमेरिका में रह के नासा के लिए काम करो। लेकिन एक्चुअल में कलाम जी को अपने देश के लिए कुछ करना था, अपने देश को स्पेस साइंस और न्यूक्लियर साइंस में बहुत ऊपर लेके जाना था, इसलिए उन्होंने नासा का ऑफर को ठुकरा दिया और वापस इंडिया आ गए। और इंडिया में वापस आकर इसरो में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया, जो कि इसरो का फर्स्ट बेस था। तभी इसरो में विक्रम साराभाई चेयरपर्सन थे और इनका एक छोटा सा रिसर्च ग्रुप था, जिसमें कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट और कलाम जी मिलकर सेटेलाइट लॉन्चिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इन्होंने थिरुवनंतपुरम में सी बीच के पास एक छोटा सा चर्च में अपना ऑफिस बनाए थे और सी बीच को रॉकेट लॉन्च पैड बनाए थे। आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, उन्होंने रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट्स और सैटेलाइट के पार्ट्स को बाइसाइकिल और बुलेट कार्ट में लॉन्च पैड तक लिया करते थे। और 21 नवंबर 1963 को उन्होंने यूएस निके अपाची नाम का अपना फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट उन्होंने SLV-3 लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में 1969 से लेकर 1979 तक करीब 10 साल तक 24/7 काम करने लगे। और इसी 10 साल के अंदर कलाम जी ने कोई वीक ऑफ हॉलीडे नहीं लिया, बस 2 दिन की छुट्टी लेते, वो भी उनके पेरेंट्स के देहांत होने पर। लेकिन 10 साल के मेहनत के बावजूद SLV-3 लॉन्चिंग फेल हो गया था और जाकर बे ऑफ बंगाल में डूब गया था, जो कि कलाम जी का और एक फेलियर था। लेकिन SLV-3 फेलियर के बाद सभी लोगों ने कलाम जी के ऊपर ब्लेम डाल दिए। सभी लोगों ने बोले कि देश का ज्यादातर फंड इसी प्रोजेक्ट में लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। लेकिन उसी टाइम पे इसरो का चेयरमैन सतीश धवन जी कलाम जी को सपोर्ट किए थे और बिना हार माने ही फिर से 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक SLV-3 लॉन्च किए। इसी सक्सेस के वजह से इंडिया भी इंटरनेशनल स्पेस क्लब में मेंबर बन चुका था। इसके बाद कलाम जी को 1981 में पद्मभूषण अवार्ड दिया गया और 1982 में DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया और कलाम जी देश के डिफेंस के लिए काम करने लगे। देश के डिफेंस के लिए कलाम जी ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मॉडल डिजाइन करने लगे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मिसाइल लॉन्च किए थे, जैसे कि 1985 में त्रिशूल, 1988 में पृथ्वी, आकाश, नाग, 1989 में अग्नि। और 1989 में अग्नि मिसाइल लॉन्च के बाद भारत पूरा वर्ल्ड में 6th नंबर पर था, जो कि इतना पावरफुल मिसाइल बनाता था। 1992 से लेकर 1999 तक कलाम जी ने डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर और सिक्योरिटी डेवलपमेंट के सेक्रेटरी भी रहे थे। इसी दौरान कलाम जी ने 1992 से 1997 तक मेहनत करके फाइनली 11 मई 1998 को फ्रांस, USA, रशिया, UK से छुपकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति नाम से 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। इसी तरह इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सफलता हासिल की थी। एक्चुअल में कलाम जी चाहते थे कि इंडिया एरोनॉटिकल स्पेस साइंस और न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल देश बने और भारत को एक न्यूक्लियर पावर देश बनाने वाला कलाम जी थे। और 1997 में कलाम जी को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। और 1999 में कलाम जी रिटायर हो गए थे। और रिटायर के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको देश के होम मिनिस्टर बनने के लिए बोले, तभी इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इनको अपना टीचिंग पैशन फॉलो करना था। एक्चुअली कलाम जी को टीचिंग करना, स्कूल कॉलेज में जाकर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद था। कलाम जी का कहना था कि टीचर ऐसा एक माध्यम है जो कि देश के फ्यूचर को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। वो ये भी कहते थे कि इफ यू फेल देन नेवर गिव अप, बिकॉज़ फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। लेकिन कुछ साल बाद वाजपेयी जी के फिर से कहने पर 18 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक देश के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर टीचिंग, प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट में से टीचिंग को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया करते थे। कलाम जी का ये कहना था कि देर आर 5 वेज टू गेट सक्सेस: ग्रेट एम, गेन नॉलेज, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। वो अपने काम से जो भी इनकम आती थी वो बच्चों का स्कूलिंग और एजुकेशन में डोनेट कर देते थे। एक्चुअली कलाम जी साइंस के साथ साथ माइथोलॉजी भी पढ़ा करते थे। वो चार्ल्स डार्विन का प्रिंसिपल भी पढ़ते थे और भागवत गीता भी पढ़ते थे। 2012 में कलाम जी ने भारत के यूथ के साथ करप्शन हटाने के लिए
एक सेंट्रल थीम के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किए थे। उन्होंने यहाँ पे तमिल में कविता लिखे थे और बिंद्रे नाम का एक साउथ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू किया था। एक्चुअली कलाम जी मुस्लिम तो थे लेकिन हिंदू संस्कृति को विश्वास करते थे और यूथ का हमेशा साथ दिया करते थे, इसलिए इनको 2003 में और 2006 में एमटीबी यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। और 27 जुलाई 2015 में जब कलाम जी आईआईएम शिलोंग में हैबिटेबल प्लैनेट के बारे में स्पीच दे रहे थे तभी अचानक से हार्ट अटैक की वजह से कलाम जी का मौत हो गया था। कलाम जी ने अपने पूरे लाइफ टाइम में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड ऐसे बहुत सारे अवार्ड जीते थे और उनके पास 40 डॉक्टरेट की डिग्री भी थी। और 26 मई को अब्दुल कलाम जी का स्विट्जरलैंड विजिटिंग की वजह से स्विट्जरलैंड ने 26 मई को अपना साइंस डे डिक्लेयर कर दिया और यून ने भी कलाम जी का बर्थडे किया कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे अनाउंस कर दिया। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द सिंपलिसिटी एंड डेडिकेटेड लाइफस्टाइल ऑफ आवर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। इफ यू लाइक माय वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।